उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का 42वां प्रांतीय अधिवेशन प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद द्विवेदी की अध्यक्षता में एक निजी हॉल में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद द्विवेदी ने बताया कि प्रधानाचार्य परिषद का 42वां प्रांतीय अधिवेशन मनाया जा रहा है तथा हर 2 साल में संगठन का चुनाव होता है। उन्होंने बताया कि प्रधानाचार्य परिषद के लोग शिक्षा क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं तथा यह प्रदेश के सभी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों का अधिवेशन है तथा यह लोग माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था का नेतृत्व करते हैं तथा सरकार और संगठन का समन्वय अच्छा होता है तो कार्य भी अच्छा होता है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है जिसको लागू कराने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्यों की है तथा प्रधानाचार्यों से अपील है कि नई शिक्षा नीति को अपने संस्थानों में लागू करें जिससे नए भारत का निर्माण हो सके तथा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा सके। इस अवसर पर MSI इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य महबूब सईद हारिस, डॉक्टर संजय त्रिपाठी सहित अन्य प्रधानाचार्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद द्विवेदी ने कहा, श्री देवंग सिंह देवतिया जी बुलंदशहर आपसे भी आग्रह, इंद्रपाल सिंह आगरा आपसे भी आगे इस सम्मेलन के परीक्षा डॉक्टर मधुबाला त्यागी जी से आग्रह करूंगा, हमारे प्रदेश की श्रेष्ठ प्रतिमाओं में से आपका नाम है। मंत्री जी को बहुत ज्यादा सम्मानित करें, आप हमारे प्रदेश प्रधानाचार परिषद के संयुक्त मंत्री हैं, आपका योगदान तक प्रधानाचार परिषद को सुलभ रहता है। प्रधानाचार्यों की तरफ से पूरी तरह से यह माला माननीय मंत्री जी को माला पहना के प्रदेश के प्रधानाचार्य को स्वागत करने की कृपा करता हूं। मंडल पूरे प्रदेश के प्रधानाचार्य की तरफ से वह माला पूरे प्रदेश के भावनाओं को समर्पित करता है। मैं आग्रह करूंगा श्री अकेश्वरनाथ त्रिपाठी, श्री अकेश्वरनाथ त्रिपाठी जी से, अकेश्वर मिश्रा जी से प्रधानाचार्य सुभाष हास मिडिल स्कूल दीदीगंज को माला पहना के स्वागत करें। ये उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का अधिवेशन है, इनके हर साल इनका अधिवेशन होता है और हर दूसरे साल इनके संगठन का चुनाव होता है, तो आज उसी द्विवार्षिक अधिवेशन में आया हुआ हूँ उद्घाटन के लिए। ये सब शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हुए लोग हैं, सभी उत्तर प्रदेश के इंटर कॉलेजेज के प्रिंसिपल्स यहाँ पर हैं, निश्चित रूप से वो माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था का नेतृत्व तो करते हैं और सरकार और ऐसे संगठनों के बीच जब समन्वय अच्छा होता है, तालमेल अच्छा होता है तो परिणाम बेहतर होते हैं। अभी नई शिक्षा नीति आई है और उस शिक्षा नीति को लागू करने की जिम्मेदारी सही मायनों में संस्थाओं का नेतृत्व कर रहे जो प्रधानाचार्य हैं उन्हीं के ऊपर होती है। तो मैं तो जब यहाँ आया हूँ तो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में इन सभी प्रधानाचार्य गण से यही अनुरोध करूँगा कि भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है उसको अपनी संस्थाओं में लागू करें ताकि हम नए भारत के निर्माण का जो माननीय मोदी जी का सपना है उसको पूरा कर सकें। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, नंबर एक प्रदेश बनाने का जो हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का सपना है उसको पूरा कर सकें।